ए बॉडी ऑफ मास टू के जी इनिशियली एट रेस्ट इज मूव बाई थ्री मीटर अलॉन्ग द हॉर्जोनटल बाई ए फोर्स ऑफ टेन न्यूटन एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ सिक्सटी डिग्री विद द हॉर्जोंटल फाइंड द कानेटिक एनर्जी गेन बाय द बॉडी सो एक बॉडी है ध्यान से देखिएगा एक बॉडी है ठीक है जिसका मास टू के जी गिवेन है दिस इज ग्राउंड टू के जी मास इसका गिवेन है ठीक है इनिशियली रेस्ट पर है ये है क्या किया जाता है इस पर इस पर एक फोर्स लगाया जाता है टेन न्यूटन का टेन न्यूटन का फोर्स एक इस पर अप्लाई किया गया है ना एट एन एंगल एट एन एंगल सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री विद द हॉर्जेंटल और इस फोर्स के कारण क्या होता है ये बॉडी अपने इनिशियल पोजिशन से तीन मीटर की दूरी तय करके तीन मीटर डिस्प्लेस होकर ये रुक जाता है ठीक है सो so, इस पोजिशन पर इसका कांटिक एनर्जी निकालना है ठीक है सो लेट से दिस वेलोसिटी इज भी एयर सो काटिक एनर्जी इस पोजिशन पर क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है सो so, अभी ध्यान से देखिएगा जो वर्क डन होता है वर्क डन डैट इज इक्वल टू वॉट एफ डॉट एस वर्क इज स्केलर क्वांटिटी बट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी ठीक है सो so, ये एफ एस कॉस्ट डेटा होता है ठीक है सो so, यहाँ पर ध्यान से देखिए दो तरीका है या तो आप फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में लीजिए या फिर सीधा सीधा आप एफ़ और एस लिखिए दोनों के बीच का एंगल लिख दीजिए ठीक है है ना सो so हम लोग क्या करेंगे फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में लेंगे सो so ये कितना आ जाएगा दिस कंपोनेंट विल भी है ना सिक्सटी डिग्री है सो ये टेन कॉस टेन कॉस सिक्सटी डिग्री आएगा टेन कॉस सिक्सटी डिग्री ठीक है सो इसका मतलब टेन कॉस सिक्सटी डिग्री फोर्स लग रहा है है ना एफ की वैल्यू टेन कॉस सिक्सटी डिग्री इस डायरेक्शन में चूंकि हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में ले लिया है डिसप्लेसमेंट कितना है डिस्प्लेसमेंट है इस इज थ्री मीटर है ना अब जब इसका कंपोनेंट हम लोग इस डायरेक्शन में ले चुके हैं तो एंगल लेने का जरूरत नहीं है है ना अब इस दोनों के बीच में दोनों पैरल हो गया फोर्स भी ये कंपोनेंट और इस डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरल हो गया सो एंगल जीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू वन ठीक है सो so सीधा सीधा हम लोग को वॉकडन कैसे निकाल देना है दिस इज थ्री एस की वैल्यू थ्री और ये कॉस सिक्सटी डिग्री सो टेन और कॉस सिक्सटी डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉस सिक्सटी डिग्री इट इज हाफ सो थ्री इंटू टेन इंटू हाफ ठीक है सो इट इज फिफ्टीन है ना वॉकडन है सो so कितना हो जाएगा ये जूल हो जाएगा फिफ्टीन जून वॉकडन ठीक है सो so ये जो फोर्स लगा इनिशियली जीरो वेलोसिटी था जीरो से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे इसका वेलोस्टी डेवलप होगा है ना ड्यू टू एक्सलेशन ठीक है और वेलोसिटी डेवलप होने के बाद जब तीन मीटर डिस्प्लेस हुआ ये सो तो तीन मीटर डिस्प्लेसमेंट पर इस पर जो है कितना वेलोसिटी गेन करेगा वो वेलोसिटी के कारण इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा जिसकी वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर होगी ठीक है है ना सो so काइनेटिक एनर्जी कहाँ से गेन हो रहा है काइनेटिक एनर्जी तो इसी वर्क से जो फोर्स जो वर्क कर रहा है तीन मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए उसी से काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू होगा दैट इज डायरेक्टली फिफ्टीन जून आप सीधा सीधा ये आंसर बोल सकते हो 15 जून या फिर अगर ऐसा नहीं निकालना है तो हम लोग को क्या करना है इस डायरेक्शन में एक्सलेशन कैलकुलेट कर लीजिए सो so, इस डायरेक्शन में अगर एक्सलेशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले एक्सलेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा एफ कॉस्ट सिक्सटी डिग्री डिवाइड बाई मास सो एफ़ कॉस्ट सिक्सटी डिग्री का वैल्यू देखो फोर्स कितना है टेन कॉस्ट सिक्सटी डिग्री हाफ हो गया डिवाइड बाई मास करोगे सो मास जो है इट इज़ टू के ठीक है सो टेन बाई टेन बाई फोर सो इट इज़ फाइव बाई टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इसका एक्सलेशन बिल्डअप हो गया ठीक है अब जब एक्सलेशन इतना बिल्डअप हो गया सो तो थ्री मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग को निकालना है वेलोसिटी कितना होगा सो तो देखो भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए से निकालना है सो एक्सलेशन तो, एक्स तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा है ना सो तो इनिशियली यू जीरो है सो तो इसको जीरो कर देना है सो तो जैसे इसको जीरो करोगे सो तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा इट इज़ भी स्क्वायर ही निकाल लो सो भी स्क्वायर टू क्योंकि हाफ एम बी स्क्वायर चाहिए टू ए एस हो जाएगा ना सो टू एक्सलेसन का वैल्यू फाइव बाई टू और एस का वैल्यू कितना थ्री है सो इट इज फिफ्टीन वी स्क्वायर ओके सो आप काइनेटिक एनर्जी निकाल दो काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है सो so, हाफ हो गया मास का वैल्यू टू के जी मास इज टू के जी ठीक है इंटू वी स्क्वायर तो भी स्क्वायर तो पंद्रह निकाले हैं सो टू कैंसल आउट सो इट इज अगेन फिफ्टीन जाउल ठीक है सो so, थोड़ा सा ये लॉन्ग हो जाएगा अदरवाइज समझने के लिए ठीक है बट ये भी कंसेप्ट को याद रखिए सीधा सीधा कि ये फोर्स जो वर्क कर रहा है वही काइनेटिक एनर्जी में डेवलप हो रहा है ठीक है सो तीन मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना होगा काइनेटिक एनर्जी डेवलपमेंट दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द वेलोसिटी सो सीधा सीधा हाफ एम बी स्क्वायर सो ये जितना वर्क करेगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई लॉस नहीं हो रहा है है ना देर इज़ नो एनर्जी लॉस सो जितना ये वर्क करेगा टोटली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है सो फिफ्टीन जूल इसका आंसर होगा